नमस्कार, मैं योगेश चौधरी और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। ज्योतिष मंथन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बार फिर से ज्योतिष मंथन में हमारे साथ देश के जाने माने विख्यात आचार्य गुंजन ब्रजवासी जी इस वक्त मौजूद हैं। गुंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव न्यूज में। योगेश जी नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, दिल से अभिनंदन करता हूँ और समस्त पब्लिक लाइव न्यूज टीम को हृदय की गहराइयों से प्रकट करना चाहता हूँ। और जैसा कि मैं आज के शुभ दिन की शुरुआत करने से पहले सबसे बता दूं, सबसे पहले कि आज सबसे बड़ा सनातनी संस्कृति के लिए बहुत बड़ा पर्व है। जैसे कि आज गीता जयंती का सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है, हिंदुओं के लिए पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता का जन्म प्रतीक है। और आज ही श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो आज इसलिए भगवान श्री कृष्ण की 5160वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। जैसा कि मैं सभी संत समाज को और उनको हृदय की गहराइयों से, दिल से, सभी सनातनीय भाइयों को, दर्शकों को दिल से जय श्री कृष्ण करता हूँ। गुंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास दिन को हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो गुंजन जी, मैं आपसे जो आने वाला नया साल 2024 है उसके बारे में, 12 राशियों के बारे में जानना चाहूंगा कि क्या कुछ नव वर्ष पे खास लेकर आ रही हैं ये 12 राशियां। जी योगेश जी, मैं आपको जैसे बता दूं, हर व्यक्ति को, हर जातक को अपनी राशि के बारे में जानने की एक उत्सुकता होती है। तो ये नव वर्ष 2024 किस राशि वाले के लिए क्या फल लेकर आया है, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आज काल गणना के अनुसार सबसे पहली राशि ये शुरू होती है, मेष राशि के जातकों के लिए पहली राशि मेष। ये नया साल 2024 मायनों में अच्छा होने वाला है, फिर भी हम कह सकते हैं कि आपको कुछ हद तक अपने स्वास्थ्य और खर्चों पे विशेष ध्यान रखना होगा। तो आपने जैसा सुना मेष राशि के बारे में, तो वहीं आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। और आचार्य जी, वृषभ राशि 2024 में क्या कुछ खास रहेगी? जी, वृषभ राशि के जातकों को इस नए साल में उत्तम स्वास्थ्य के साथ कार्य क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा, लेकिन इस लाभ के लिए शुरुआती 4 महीनों में थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। मई के बाद स्थितियों में सुधार होगा और धीरे धीरे यह साल आपके लिए सर्वोत्तम अवसर लेकर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। और आचार्य जी, मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा नया साल? जी बता दूं आपको, मिथुन राशि के जातकों के लिए यह साल आपके लिए मिश्रित रहने वाला है। कभी कंफ्यूजन की स्थिति होगी, तो कभी बहुत खुश होंगे तो कभी बहुत दुखी भी हो सकते हैं। कंफ्यूजन जैसी स्थितियां मिथुन राशि वालों को बन सकती हैं। आगे बढ़ेंगे कर्क राशि की ओर और जानेंगे क्या कुछ खास रहने वाली है कर्क राशि। जी जैसा बता दूं आपको, कर्क राशि एक जल तत्व राशि है और 2024 में कर्क राशि के लिए अच्छे अवसरों का और लाभ लेकर आएगा। इससे पहले साल जिस तरह का कंफ्यूजन था वह इस साल कुछ कम होगा। साल के शुरुआत में बृहस्पति आपके दशम भाव में रहेंगे, तो आप अपने कर्म क्षेत्र को लेकर कहीं ना कहीं विचलित हो सकते हैं। तो इस वक्त आगे बढ़ेंगे सिंह राशि की तरफ और सिंह राशि के बारे में जानना चाहेंगे क्या कुछ खास रहेगी सिंह राशि। जी योगेश जी, सिंह राशि के जातक एक अग्नि तत्व राशि है और एक ऊर्जा से भरी हुई राशि है। जैसे कि आप सब जानते हैं, सिंह राशि बहुत सारी खुशियां लेकर आया है। सिंह राशि 2024 के अनुसार सिंह राशि के लोगों के लिए मई से काफी अच्छा समय रहने वाला है। तो आचार्य जी, कन्या राशि अपने जातकों के लिए क्या कुछ खास रहेगी? जी, इस राशि के जातकों के लिए विचार एक जगह पर नहीं टिकेंगे और 2024 में कन्या राशि वालों के लिए कुछ ऐसा इशारा कर रहा है कि यह साल कई बार आपको उलझनों में डाल सकता है। आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ और तुला राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास रहेगा नया साल? तुला राशि वाले जातकों के लिए संतुलन लेकर आया है। साल का जो शुरुआत होगी आपकी, कई पॉजिटिव चीजें होंगी और बहुत धन लाभ का भी लाभ होगा। घर में अच्छा वातावरण रहेगा और आपको घर से पूरा सपोर्ट मिलने के योग दिखते हैं।
तो वहीं हम जानेंगे वृश्चिक राशि की ओर बढ़ते हैं और जानेंगे वृश्चिक राशि क्या कुछ रहने वाली है नए साल में। जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए हम अगर बात करें तो ये अपनी हर बात को सीक्रेट रखने वाले होते हैं और ये कहीं ना कहीं अपनी राशि के सिंह वृश्चिक राशि के लोग 2024 इशारा कर रही है कि अपनी चीजों को सीक्रेट रखें, काम करते जाएं और सफलता प्राप्त करते जाएं, तो अपने आप सीक्रेटों को किसी को शेयर ना करें। तो आचार्य जी, धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा नया साल? ये धनु राशि देखिए एक अग्नि तत्व राशि है, 2024 मामलों में बेहद खुश रहने वाले हैं धनु राशि। 2024 में आपको शुरुआती महीने में काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो वहीं आगे बढ़ते हैं मकर राशि की ओर और मकर राशि के बारे में भी जानेंगे आचार्य जी से हम, कैसा रहेगा? मकर राशि के बारे में हम बताएं तो अगर मकर राशि पर अभी साढ़े साथी का भी प्रभाव है, आखिरी चरण चल रहा है, ठीक है, लेकिन मकर राशि 2024 के अनुसार ये साल मकर राशि वालों के लिए भाग्योदय का साल बन सकता है। आगे बढ़ेंगे कुंभ राशि की तरफ और कुंभ राशि के बारे में जानेंगे आचार्य जी से क्या कुछ खास रहेगी नव वर्ष में। ये कुंभ राशि के लिए साल मिश्रित रिजल्ट देगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं आखिरी राशि मीन की तरफ और मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया रहेगा नव वर्ष में आचार्य जी? जी, मीन राशि वाले एक दुष्भाव राशि होती है, ऐसे स्वभाव के कारण 2024 में इन्हें लाभ और हानि दोनों ही हो सकती है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल मिला जुला रहने वाला है। तो आचार्य जी, आज का दिन बहुत छोटा है, आज 22 दिसंबर है, तो आज के दिन को लेकर क्या कुछ खास है आज के दिन में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिसंबर को सूर्य की किरणें जो होती है दक्षिण गोलार्ध में स्थित मकर रेखा पर स्थित रहती है, पड़ती है, इसके कारण उत्तरी गोलार्ध सूर्य जब पृथ्वी से दूर होता है तो इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध में ये समय ठंड का भी माना जाता है और ये साल जैसा कि आप सब जानते हैं जी, साल देखने में आता है और वही रात बड़ी हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमसे जुड़ने के लिए जी, धन्यवाद। ये विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि आने वाला साल कैसा होगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें पब्लिक लाइव न्यूज़।